वो स्टोरीज पे फिर टुटला दी जसवाल जी की, आपकी इनको आप बचाने का प्रयास कर रही हैं। ये तो कहता है कि मैंने 4000 रुपए में गाड़ी बुक की थी, उन्होंने तो मानवता के नाते शव धोने के लिए दे दी थी, आया था उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई, क्यों नहीं लिखी गई सब हमें सिखाना पड़ेगा आपको। सर माननीय न्यायालय द्वारा सर एसपी सर कटनी को आदेशित किया गया था अपने सुपरविजन में इस केस की सुपरवाइज करने के लिए, क्या हुआ सर इस संबंध सर ने जवाब दावा पेश किया। क्या जवाब दावा है सर? ये सील बंद सीडी स्टेटमेंट्स किस किस के रिकॉर्ड किए सील कवर में देखें तो पुलिस मैनुअल में किसी भी स्टेट के प्रावधान है क्या कि बिगर एफआईआर रजिस्टर करे हुए भेज देंगे आप किसी भी पुलिस अधिकारी को साथ में, इसका प्रावधान है क्या? फिर सर उन्होंने इतना कोशिश करेंगे बचाने की आप एक अपराधी को? नहीं सर बचाने। व्हाट आर आप डीएसपी हैं जी सर, क्या कंसिडरेशन है आप लोगों के अपराधियों को बचाने के लिए? सर बचा नहीं रहे सर, अभी तक की विवेचना में सर विशाल जायसवाल के लिए अभी कुछ भी हमें लिंक नहीं मिला है सर, इसलिए लिंक तो आप लेना नहीं चाह रहे हैं। आपके कंसिडरेशंस लिखा है कि ऑर्डर शीट में आपने पुलिस वालों के कीटगंज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए, क्या कहा उन्होंने, किस हैसियत से आए थे वो? आई विल रिफर दिस मैटर टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम यूपी एट अंडर व्हाट कैपेसिटी दे हैड विजिटेड दिस स्टेट। क्यों नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे आपने पहले तो ये बताइए। चलिए एक एक करके चलते हैं, रंजीत पांडे और सलीम के स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए थे? सर जब मुझे डायरी मिली थी सर 5 तारीख को तो मैंने, आपकी बात नहीं कर रहा पुलिस की बात कर रहा हूँ जी सर, क्यों नहीं किए थे स्टेटमेंट रिकॉर्ड? सर पूरे जो विवेचक थे उसमें नहीं किए थे सर, वो तो सस्पेंड हो गए। फिर आपने कब किए इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड? 5/8/22 को, 5/8/22 को रंजीत पांडे के सर, और 27/8/22 क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए आपने? पढ़े उनके स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं वो, पढ़िए आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, टाइप टू कॉपी है इसमें। चलिए सर रंजीत पांडे के कथन, ये तो आपके ऊपर एलिगेशन है पुलिस के ऊपर, इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई मैयर में, फिर आपने मैयर थाने के स्टेटमेंट लिए कि क्यों नहीं लिखी गई थी इसकी रिपोर्ट रंजीत पांडे की? हैव यू टेकन और यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन? देयर इज अ डायरेक्ट एलिगेशन मेड बाय रंजीत पांडे दैट ऑन 12/8 व्हेन ही गेन्ड कॉन्शियसनेस, आप हिंदी समझते हैं इंग्लिश समझते हैं, किस भाषा में बात करें आपसे? सर दोनों समझ जाते पर हिंदी में सर, हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है आपको जी सर। जब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो 12/8 को होश आने पर गया था और उसने मैयर थाने में रिपोर्ट कराई, पहले गया वो मैयर थाना की चौकी, जाकर चौकी में गया वो बताता है, फिर थाने गया घंटा घर के पास, वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई, आपने इस बात की तस्दीक करी कि वो आया था उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई, क्यों नहीं लिखी गई सब हमें सिखाना पड़ेगा आपको। सर चौकी वाले ने फिर उसको थाने भेज दिया था सर, मैं चौकी वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने, कहा है स्टेटमेंट पढ़िए सर, चौकी वाले का नहीं, फिर कैसे मालूम पड़ गया आपको कि चौकी वाले ने थाने भेज दिया था? थाने वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने कि वो आया था तो फिर उसकी क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की गई? सर तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे सर वो वर्तमान में अभी नहीं है सर, वर्तमान में नहीं है, सेवा में नहीं है कि उस जगह पर नहीं है? सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो उन सेवानिवृत्त व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? आपके तो सर्विस बुक रहती है उसमें उसका परमानेंट एड्रेस रहता है, पीपीओ जारी होता है सेवानिवृत्त व्यक्ति को, सब चीजें हम ही सिखाएंगे आपको, फिर आप लोगों को बहुत बुरा लगता है आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? और क्या आपके एसपी का सुपरविजन है? लिखते जाइए एक एक पॉइंट करके, कौन है आपका, शुभ नाम बताइए। शालिनी परस्ते सर। मिस एम एस शालिनी परस्ते, डीएसपी कहाँ की है, कटनी की जी सर, कटनी। कटनी has no explanation that after recording statements of Ranjit Pandey, किस तारीख को किए गए ये statements record? 5/8 को किए थे सर, 5/8 डेट कहाँ है? On 5/8/2022 wherein he had made allegations against the police officials the concerned Maiyar Thana Chowki and Maiyar police station close to Ghantagar that after gaining consciousness on 12/8/2021 he had approached these two authorities to lodge report, but no report was lodged at their instance. Submits that in charge of the Maiyar police station, Ghantagar, has superannuated. Therefore, his statements could not be recorded. Full stop. However, she is not in a position to dispute. He was a government servant. He is a pensioner of the state government. Details of such retired employees are available in the PPO, that is pension pay order. Therefore, if there would have been any understanding of conducting investigation, then she would have definitely contacted in charge of the Maiyar police chowki and in charge of
the Maiyar police station close to Ghantaghar to take their statements to verify the correctness or otherwise of the statements given by Ranjit Pandey. Next, Mohammad Saleem साहब ने क्या कहा? तो स्टोरीज ने फिर टुटला दी जसवाल जी की, आपकी इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं। ये तो कहता है कि मैंने 4000 रुपए में गाड़ी बुक की थी, उन्होंने तो मानवता के नाते शव धोने के लिए दे दी थी। शव धोने के लिए नहीं दी थी सर। पढ़िए जसवाल का स्टेटमेंट पढ़िए, आप या तो पढ़ नहीं रही है, पढ़िए जसवाल का स्टेटमेंट पढ़िए। उसने पत्र लिखा है कीरगंज पुलिस को, जिसमें 8 की डेट पड़ी है और पावती जो है एसपी साहब की अक्टूबर की है जी। वो तो पढ़िए। तथा मोहम्मद सलीम का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र की फोटो कॉपी अपने पास रख लिया। प्रार्थी का ड्राइवर रंजीत पांडे उन दोनों व्यक्तियों को लेकर मैयर के लिए निकल गया। समय पर जाइए बस जी सर। ये तो सलीम से तो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, ये तो बुक करने की बात ही नहीं कर रहे। पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया आपने स्टेटमेंट्स में, कहीं लिख रहे हैं बुक करके ले गए थे, 4000 रुपए एडवांस दिए थे। आप क्या है? थाना प्रभारी बड़वारा जी। थाना प्रभारी बड़वारा ऐसे तो बड़वारा कहाँ है ये? कटनी में। या तो आप कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ नहीं पा रही है। मैं पूछता हूँ वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, डायरेक्टर जनरल से, कि किस हैसियत से ये आ सकते हैं बिगर FIR? आप जा सकते हैं क्या? नहीं सर। बिगर FIR दर्ज किए किसी के साथ भी चले जाएंगे क्या आप? नहीं सर। ऐसा प्रावधान है तो बता दीजिए, नहीं नहीं सर, हमारा सवाल गलत ना हो जाए। ऐसा नहीं है सर। हाँ ठीक है, लिखिएगा इनका, आगे लिखिएगा दिस स्टीच मिस, इनका शुभ नाम जो भी है डाल लीजिएगा, एडमिट्स दैट देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ सलीम, एडमिट्स दैट ही हैड हायर्ड व्हीकल ऑफ फ्रॉम विशाल जायसवाल, फ्रॉम वन जायसवाल। बट द बेसिक क्वेश्चन इज, बेसिक क्वेश्चन are twofold, namely when police authorities of police station Kidganj or police station Charwa had contacted Ranjit Pandey at Maiyar, then why his report was not lodged at the concerned police station by Dilip Kumar? The dispute places its displeasure over the affidavit of the SP Shri Sunil Kumar Jain, which is not only cryptic but reveals that there has been no application of mind in investigating the matter, though now matter is being investigated under the supervision of the superintendent of police Katni है ना ये? जी सर। आप जितना बचाने का कोशिश करेंगे उतना मरते जाएंगे, आप फंसते जाएंगे। नहीं सर, बचा नहीं रहे। आप बचा रहे हैं, आप बचा रहे हैं, आप बचा रहे हैं। लिंक तो सब मिल रहा है, लिंक तो यहाँ अवेलेबल है। पूरा झूठ का पुलिंदा रचा गया। वो आदमी कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे दिया गया था। एक्यूज्ड कहता है 4000 रुपए में बुक करके लाया। वो आदमी कहता है मैंने रिपोर्ट कर दी 13-8 को, जिसको वहां के एसपी साहब 5-10 को फॉरवर्ड करते हैं। ये आदमी ड्राइवर कहता है कि जो है मुझे मैयर से उठाया गया, मेरी रिपोर्ट नहीं की गई मैयर थाने में। वो कहता है कि विशाल जायसवाल उसके पिताजी मैयर आए थे लेकर गए, दिलीप कुमार उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते। वो अपने पिताजी के साथ जाता है रंजीत पांडे 13 तारीख को रिपोर्ट करने कीड़गंज थाने में, रिपोर्ट नहीं होती। अब कुछ तो है मटेरियल अवेलेबल आपके पास में, आपकी विल पावर नहीं है, यू आर अंडर समबडीज इन्फ्लुएंस एंड दैट मे कॉस्ट यू वेरी हेवीली, आइदर यू आर नॉट कॉम्पिटेंट और यू आर अंडर समबडीज इन्फ्लुएंस। देखिएगा, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर शीट बी फॉरवर्डेड टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रयागराज टू कॉपरेट इन द मैटर and furnish his affidavit on the basis of the statements of Dilip Kumar, that under which provision of law Dilip Kumar or constables Pradeep Kumar and Kanamta Neeraj Kumar were authorized to visit police station Maiyar without recording any, without registration of any crime number at Prayagraj, under the oral instructions of the so-called in charge inspector of police station Kidganj. Not only the police officials, namely investigating officer, but also SP Katni shall remain personally present. Seal Kumar ने करके इनको वापस कर दिए, आगे ना Seal Kumar में वापस कर दिए गए, कह रहे हैं भी Seal Kumar काट दीजिए, they are taken on record, let it be part of the record so that they are not able to, रख लीजिए इसको रिकॉर्ड में ले लीजिए।